are watching BNS News. वेलकम टू टुडेस क्रिप्टो न्यूज। चलिए पहले हम देखते हैं आज की हेडलाइंस। ब्राजीलियन सिक्योरिटीज रेगुलेटर CVM ने टोकनाइजेशन ऑपरेशंस की इंक्वायरी इनिशिएट की। कॉइन DCX ने इंडियन क्रिप्टो यूजर्स को सिक्योर करने के लिए प्रोटेक्शन फंड इंट्रोड्यूस किया। होमलैंड सिक्योरिटीज ने मैन ऑफ चार्ज किया ओवर क्रिप्टो रिकवरी स्कैम। ब्लैक रॉक को स्पॉट ईथर्स ETF लॉन्च के बाद ने नियरली $900 मिलियन अमास किया। इथेरियम लेयर 2 टर्बो क्लेम करता है कि 4 लाख ट्रांजैक्शंस पर सेकंड प्रोसेस करने का। क्रिप्टो एडवोकेट्स फॉर हैरिस मूवमेंट ने मार्क क्यूबन का सपोर्ट क्लेम किया। सुई ने सुपरफाइन के साथ पार्टनर किया तो इंटीग्रेट यूजर एक्विजिशंस प्लेटफॉर्म्स अपने इकोसिस्टम में। देव्स लॉन्च करने वाले हैं न्यू डिफाइन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सॉल्यूशंस ऑन बिटकॉइन। न्यूबिट और सेकंड ने लॉन्च किया न्यूपोर्ट ताकि ब्लॉकचेन इकोसिस्टम्स को कनेक्ट किया जा सके। कैनेडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस को CIRO मेंबरशिप के लिए डेडलाइन फेस करनी पड़ी। वेंचर कैपिटल ने जुलाई में $527 मिलियन इंजेक्ट किए क्रिप्टो स्टार्टअप में। द सैंडबॉक्स अगस्त में अवतार होल्डर्स को एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स ऑफर करेगा। ब्राजीलियन सिक्योरिटीज रेगुलेटर ने टोकनाइजेशन कंपनीज को लेटर्स भेजना शुरू किया है इंक्वायरिंग अबाउट देयर ऑपरेशंस का नेचर। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लेटर्स इश्यूअर्स से डिमांड करते हैं कि डिस्क्लोज करने के लिए कौन से टोकन्स इशू होते, उनका परपेटेटेड क्लासिफिकेशन किया और ऐसे टोकन्स का इश्यूएंस को सपोर्ट करने वाले एसेट्स हैं। कॉइन DCX जो इंडिया की लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में से एक है ने क्रिप्टो इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड इंट्रोड्यूस किया है जो एम करता है कि इंडियन क्रिप्टो मार्केट में हायर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करने का। यूनाइटेड स्टेट्स होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स की प्रोब एक फेक क्रिप्टो रिकवरी ऑपरेशन में लास वेगास में अगेंस्ट चार्जेस लीड हुई 5 अगस्त को डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने रिपोर्ट किया कि उसकी न्यूयॉर्क टास्क फोर्स की इन्वेस्टिगेशन ने माइकल लॉन्चलान के अगेंस्ट चार्जेस फाइल किए जो एक स्कैम क्रिप्टो एसेट रिकवरी बिजनेस चलाता था। ब्लैक रॉक के स्पॉट ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फर्म ने 6 अगस्त को $109.9 मिलियन इन फ्लोज देखे जो टोटल इन फ्लोज को $869.8 मिलियन तक ले आए सिंस इट्स लॉन्च ऑन July 23। फायरसाइड इन्वेस्टर्स के मुताबिक ये iShares इथेरियम ट्रस्ट के थर्ड बिगेस्ट फ्लो डेट जब इन्वेस्टर्स ने ईथर के 18% प्राइस फॉल ऑन अगस्त 5 का फायदा उठाया। इथेरियम स्केलिंग सॉल्यूशंस टर्बो प्रोटोकॉल ने एक न्यू ब्लॉकचेन लॉन्च किया जो रिपोर्टेडली 4 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकेंड प्रोसेस कर सकता है। प्रोजेक्ट पैरेलल ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है और कॉम्पिटिशन हैवी एप्लीकेशन को टारगेट कर रहा है डिसेंट्रलाइज्ड AI गेमिंग और सोशल वर्टिकल्स में। 6 अगस्त को एक एक्स पोस्ट में ऑर्गेनाइजेशन क्रिप्टो एडवोकेट्स फॉर हैरिस ने अनाउंस किया है कि उन्होंने वर्चुअल टाउन हॉल होल्ड करने का प्लान किया है यूनाइटेड स्टेट्स लॉ मेकर्स पॉलिसी मेकर्स और इंडस्ट्री लीडर्स के साथ जिसमें एंटरप्रेन्योर और डैलस मार्क्रिव्स माइनॉरिटी ओनर मार्क क्यूबन भी शामिल है। कॉइन टेलीग्राफ ने क्यूबन से कमेंट के लिए रीच आउट किया पर पब्लिकेशन की टाइम तक रिस्पॉन्स नहीं मिला। सुई जो एक Layer 1 प्रोटोकॉल ने रिसेंटली सुपरफाइन के साथ पार्टनरशिप की है। सुई सुपरफाइन का यूजर एक्विजिशन प्लेटफॉर्म्स इंटीग्रेट करेगा ताकि अपने इकोसिस्टम में गेम बिल्डिंग फीचर्स को इम्प्रूव कर सके। बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का सपना डेवलपर्स के लिए तब से एल्यूडिंग है जब से डोमिनेंट ब्लॉकचेन एग्जिस्ट करती है पर डिफाई एक क्रूशियल कंपोनेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर नेटिव नहीं है। एक ग्रुप ऑफ डेवलपर्स हाउएवर सेट है लॉन्च करने के लिए ओपी नेट टेस्ट वेडनेसडे को जो उनके मुताबिक बिटकॉइन पर प्रोग्रामेबल फीचर्स ले आएंगे। That's all for the today's crypto news and stay tuned for more updates.